सब्जियां भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो नेचुरल इंसुलिन को की तरह ये सब्जियां ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। जो शरीर में इंसुलिन बनता है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल रहता है, जिसका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उनको शुगर हो जाता है। तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो नेचुरल इंसुलिन को बनाती हैं, जिसके खाने से पीने से अंदर जाके इंसुलिन पैदा करती हैं, तो शुगर को कंट्रोल करती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हरिहर सिंह, हरिहर सिंह इन्फो ट्यूब से बोल रहा हूँ। हमारी चर्चा कर रहे हैं आपसे कि जो हमारे बीच में 90% लोगों को शुगर हो जाता है, आजकल बच्चों को भी हो जाता है। हमने इसे कई किताबों में पढ़ा है, अपने आयुर्वेदाचार्य जो हमारी मेन आयुर्वेद की बुक है उसके अंदर भी है। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिसे नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो नेचुरल इंसुलिन पैदा करती हैं शरीर में, जिससे शुगर कंट्रोल होता है। तो उनके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। ये तीन प्रकार की सब्जियाँ होती हैं जो आज हम आपको बताएंगे, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन की कमी होने से पनपती है, शुगर में इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है, तब जाके शुगर होता है। जबकि टाइप 2 नंबर का शुगर है, उसमें पैंक्रियाज कम इंसुलिन का उत्पादन करता है। पैंक्रियाज जो है वो कम शुगर का उत्पादन करता है। इंसुलिन का कम उत्पादन होने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। इसी स्थिति को शुगर कहते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन्स होता है जो पाचन ग्रंथि से बनता है, जिसका काम फूड को एनर्जी में बदलना है। ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने पर बॉडी में उसके लक्षण दिखाना शुरू हो जाता है। अधिक प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, अधिक भूख लगना, वजन कम होना, बेहोश होना और मिजाज में बदलाव, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब शुगर की मरीजों की पहचान है। इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी में एक्टिव रखना, तनाव से दूर रहना, खासकर डाइट का ध्यान रखना। एक्टिव रहने का मतलब है कि आप वॉक करिए, चलिए, काम करिए, बिस्तर पकड़ के मत रहिए। और ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिससे इंसुलिन का उत्पादन तेज़ी से हो। तो आज हम यही आपको बताएंगे तीन सब्जियों के बारे में जो बॉडी में नेचुरल इंसुलिन का काम करता है। पहला है लाल पत्ता गोभी, जो अभी हमारे पास नहीं है, सीजन नहीं है उसकी। तो पत्ता गोभी आपने देखा होगा, एक लाल कलर की पत्ता गोभी आती है, आजकल हर जगह अवेलेबल है, सब जगह मिलती है। तो उसका सलाद बना के खाएं, खाने से पहले, खाने के साथ, तो वो नेचुरल इंसुलिन का उत्पादन ज़्यादा करती है और चीज़ों से। दूसरा चीज़ भिंडी। भिंडी की सब्जी तो आप खाना खाएंगे ही, ये अलग चीज़ बता रहा हूँ। तो ऐसे भिंडी आप मत करके दिखाता हूँ आपको। ये भिंडी है, दिख रहा है भिंडी? ये पानी है, एक गिलास पानी है। तो इस पानी में भिंडी काटी है, एक गिलास पानी में दो भिंडी काट दीजिए। अब इसको आपको क्या करना है कि पूरी रात ऐसे रहने दीजिए, ढक के रख देना, पूरी रात ऐसे रहे, सुबह भिंडी निकाल देना, सब्जी बन जाएगी और पानी पी लेना। अगर आप ज़्यादा भिंडी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बना के एक दो दिन से ज़्यादा नहीं, एक दो दिन के लिए रख सकते हैं।
तो और भिंडी की सब्जी खाइए, इससे ये बहुत कारगर सिद्ध होता है दोस्तों। जो भिंडी का पानी है, ये जग प्रचलित बात बता रहा हूँ आपको, इतना ज़्यादा ये काम करता है। और दूसरा है दोस्तों करेले का जूस, ये आप करेला देख रहे हैं, करेला इसको छीलो मत, ऊपर का छिलका मत निकालो, इसके ऐसे साथ पीस लो। अब अभी हमारे पास नहीं है आंवला का जूस, अगर इसके साथ 1 चम्मच 1 गिलास करेला का जूस, आधा कप 1 कप मीन्स, और उसमें 1 गिलास आंवला का जूस अगर डाल दोगे, 1 चम्मच आंवला का जूस डाल दोगे सॉरी, तो वो जो है बहुत काम करेगा करेले का जूस। तो करेले का जूस और इसकी सब्जी भी खाइए। तो लाल पत्ता गोभी का सलाद बना के खाइए या पका के खाइए। भिंडी हेल्थ केयर के मुताबिक ये सब्जी ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल करता है। भिंडी को काट कर अभी दिखा है आपको, भिगो दीजिए, भिगो करने के बाद उसका पानी पीजिए। और करेला की सब्जी भी खाइए और उसको जूस निकाल के उसमें 1 चम्मच आंवला का रस मिला के सेवन करें, तो बहुत ही क्षमता रखता है, तो क्षमता पूर्ण है ये करेले का जूस। इंसुलिन जैसे गुण मौजूद रहते हैं इनके अंदर, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। 1 कप करेले का जूस और 1 चम्मच आंवला का रस पी लेने से इंसुलिन पैदा करता है आपको। एक छोटी सी चीज़, 3 चीज़ बताए आपको आज मैं, तो आप इस्तेमाल, जिसको भी शुगर है आपके पेरेंट्स को घर में आपको, तो आप शाम को 2-3 भिंडी काट के पानी में डाल के सुबह पानी पी लीजिए, और भिंडी की सब्जी हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें, करेले का सब्जी, करेले का जूस, ठीक है दोस्तों। ये सब इंसुलिन के लिए, इंसुलिन पैदा करती हैं और शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।